जय श्री राम सभी भाई और बहनों को, आपके अपने परिवार हिंदू रिसोर्स चैनल में स्वागत है। फलाहार हम कैसे करें, व्रत कैसे रहें, इसके बारे में कई भाइयों बहनों ने पूछा। तो व्रत का विधि तो यही होता है कि हम जो है निराजल लेके रहें, फिर हम जल पी करके रहें, अथवा फिर हम केवल दूध पी के रहें, फिर फल खा के रहें, और उसमें भी विशेष करके नमक का वर्जन किया गया ताकि स्वाद से हम दूर हों। स्वाद न हो करके हमको जो असली स्वाद है उस अनुष्ठान की, हमारा शरीर भी हमारे अनुकूल रहे और हमारा पूरा मन पूरा ध्यान जो है भगवान के चरणों में रहे, ना कि स्वाद में रहे। जो आजकल हम लोग अपनी सुविधा अनुसार कई 50 चीजें खाने लगे जो कि हमें नहीं खाना चाहिए। आप स्वयं व्रत रहते, अभी संयोग से मैं शूट कर रहा था और उस दिन एकादशी थी, प्रातः जल्दी जाना था, कुछ भी लेके नहीं गया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख लिया था, तो भगवान कृपा से मुझे स्वयं इतना आनंद आया। तो आप स्वयं देखें कि निराजल रह करके अथवा जल पी करके अथवा फल इत्यादि लेकर के, और विशेष करके जो हमारे भाई बहन है जो ऑफिस जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं या कहीं कोई काम करने के लिए जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि वो ड्राई फ्रूट वगैरह अपने साथ लेते जाए और वो ग्रहण कर लें, अथवा फ्रूट भी लें तो कोई संतरा है या सेब है, आजकल सेब में भी ऊपर जो है गोंद लगाया होता है ताकि वो मुलायम दिखे, थोड़ा उसमें ब्राइटनेस दिखे, तो उसको भी चाकू से या उससे निकाल करके ही ग्रहण करेंगे, नहीं तो फिर वो सेब भी वही रहता है। अंगूर वगैरह भी लें तो उसको धो करके बढ़िया से ग्रहण करें, जो बाजार में काट करके सब करते हैं उनसे थोड़ा बचें। अगर जूस वगैरह लेते हैं तो अपने साथ में ग्लास रखें, नहीं तो हालांकि कई भाई लोग नाराज भी होते हैं गुरुजी डिस्पोजर के बारे में ना कहें, लेकिन क्या किया जाए, कई बार अगर सुविधा नहीं तो डिस्पोजर में एक बार ले सकते हैं पर ग्लास में मत लीजिएगा, और लेना नहीं चाहिए। आप गिलास नहीं तो आप क्या करोगे, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ले सकते हैं, तो इस तरह से रहना चाहिए। तो उत्तम ये हो गया कि हम निराजल रहें, निराजल ना रह सके तो जल पी के रहें, नहीं केवल दूध पी के रहें। ये भी नहीं कि बार बार दिन भर में एक गिलास दूध भेजे सियाराम, हम 2 घंटे बाद ले रहे हैं, ऐसा नहीं। और इसके बाद में फल इत्यादि लें, फल भी एक समय लें, अच्छा नहीं पता तो थोड़ा थोड़ा 2 समय ले लें ताकि हमारा शरीर हल्का रहे और हम अधिक से अधिक जाप करें। व्रत का मतलब ये नहीं कि हम केवल अन्न नहीं खाए और अथवा दबा के खा लिए सो गए, ऐसा नहीं, जागरण करना है। तो हम जब हमारा शरीर हल्का रहता है तो हमारी नींद भी नहीं आती है और हम अच्छी तरह से जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। तो और उसके पश्चात में अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक बार नमक का चीजें ले लीजिए। अब क्या करेंगे, वो भी प्रयास कीजिए कि सूर्यास्त के बाद संध्या वेला में अवश्य पूजा करना चाहिए। अगर हम चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो एक प्रातः की आपने संध्या वेला में पूजा करके जो भी कुछ बनाया फलाहार जो आपका मन नहीं मान रहा है तो भोग लगा करके एक बार थोड़े रूप में ग्रहण कर लीजिए, फिर रात्रि जागरण कीजिए। और व्रत का मतलब ये कि हम भगवान की पूजा के बिलपत्र आदि अर्चन के कुछ नहीं है तो ओम नमः शिवाय का अथवा शिवाय नमः जिन लोगों के लिए हमने बताया था उस उन मंत्रों का अधिक से अधिक 11 माला 21 माला 108 माला, अथवा आप काम करना है घर की, हमारी माताएं बहने हैं बच्चे हैं उनको भी काम करना है, किसी को ट्यूशन जाना है, किसी को कुछ और है, तो ओम नमः शिवाय का रास्ता चलते हैं। अगर लेदर का जूता वगैरह नहीं पहने हैं आप कोशिश कीजिए उस दिन चप्पल ही सैंडल पहन के चले जाए, तो जब करते रहें और घर में है तो बहुत उत्तम है, काम करते रहो नाम जपते रहो। तो अभिप्राय कि अधिक से अधिक हमें जप करना चाहिए, ये करना चाहिए। और खाने के लिए जैसा मैं कहा कि अगर जो बाहर जा रहे हैं घर से लेते जाइए, बाहर की चीजों को ग्रहण न कीजिए, मजबूरी में फ्रूट्स वगैरह कुछ लीजिए भी तो उसमें लीजिए, प्लेट में या उन सब में स्वीकार मत कीजिए। दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए ना देना चाहिए, क्योंकि इससे अपना पुण्य जाता है अथवा दूसरे का जो है वो हमारे ऊपर आ जाता है दोष, या अन्न में बड़ा गुण होता है जैसा, तो इसलिए और तो नमक जो है एक समय लीजिए और उसके बाद में विशेष करके नाम जप इत्यादि कीजिए, और जूस वगैरह भी ऐसा करके अपने घर का अथवा बाहर में जैसे बताया वैसा ले सकते हैं, पर जितना कम खाएंगे और जितना अधिक गाएंगे भगवान के नाम स्तुति। कई बार लोगों हमसे कहते हैं गुरुजी आप मंत्र नहीं बताते, अरे भैया वो मंत्र शुद्ध होना चाहिए और ये सिद्ध मंत्र है जो पार्वती जी ने स्वयं जप करके इसको जो भी कमी जिसको सिद्ध कर दिया है और मन शिव जी को ही साक्षात जो है प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए ये मंत्र साधारण मंत्र नहीं, बड़े मंत्रों में मत उलझिए, इन मंत्रों से पूजा कीजिए और मस्त रहिए भगवान की कृपा से। तो प्रातः पूजा हो गया, चारों प्रहर के अगर ना कर सके करें तो बहुत उत्तम है, तो संध्या वेला में बढ़िया से पूजा इत्यादि करके फिर प्रातः उठिए, फिर भगवान का पूजा कर लीजिए। हम तो कहेंगे सोइए सोइए ही नहीं, बाय चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो पूजा करके फिर चरणामृत लेकर के और बाद में ग्रहण कर सकते हैं। जय श्री राम, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में।